Watson? अक्टूबर 2017 को बिकॉज मैं गांधी जी में बड़ी आस्था रखता हूँ, तो लगभग 2000 अपने दोस्तों के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, मैं गांधी जी की प्रतिमा पे गया कि मैं शपथ दूंगा आज के माहौल के हिसाब से कि गांधी जी की अहिंसा के रास्ते पर चलने का प्रयास करूंगा, और हमने वो शपथ ली। आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई डिड दिस। रात को घर आया तो टेलीविज़न मैंने देखा, तो टेलीविज़न पे न्यूज़ में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस, वेरी हैप्पी कि गांधी जी की आइडियोलॉजी को इंडिया में भी वो लोग मानते हैं, लेकिन UNO आज समझता है कि दुनिया में अहिंसा से लड़ने के लिए अगर कोई आइडियोलॉजी वर्क कर सकती हिंसा से लड़ने के लिए, तो वो गांधी जी की आइडियोलॉजी है। तो हमने इस फिल्म को प्लान किया 2 अक्टूबर को, एंड वी स्टार्ट द शूटिंग। यहाँ तक पहुँच गई है ये फिल्म। इस फिल्म में हमने गांधी जी की आइडियोलॉजी को, उनकी विचारधारा को, और फिल्म में गांधी जी नहीं है, फिल्म में गोडसे भी नहीं है, मैं स्वयं ये कह रहा हूँ 1948 के बैकड्रॉप में कि हमने गांधी जी को मार दिया। अगर गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, अगर हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, और उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके बाद भी हम किसी से नफरत करते हैं, तो आई एम किलिंग टू गांधी जी, मैं मार रहा हूँ गांधी जी को। अगर मैं हिंसा करता हूँ, अगर मैं अपने देश को साफ सुथरा नहीं रखता हूँ, हम ऐसा कोई कृत्य करते हैं, कोई काम करते हैं जो गांधी जी की विचारधारा के विपरीत है, तो मुझे लगता है हम गांधी जी की हत्या कर रहे हैं। इस फिल्म में हमारा सपोर्ट किया है हमारी स्टार कास्ट, हमारे जतिन जी, सुब्रत दत्ता जी, समीक्षा जी, प्रतिमा कनन जी, राजेश भट्ट जी ने हमको टेक्निकल सपोर्ट किया, क्योंकि इस फिल्म को मैं डायरेक्ट करना चाहता था और डायरेक्शन का ये पहला मेरा एक्सपीरियंस था, और मैं चाहता था जो मैंने सोचा है वही सेल्यूलाइट पे आ जाए। तो इस फिल्म के माध्यम से बेसिकली मैं नफरत से लड़ना चाहता हूँ, और इसमें कोई बहुत सुपर स्टार नहीं है, आप लोगों की मदद, आप लोगों के सपोर्ट से मैं ये लड़ाई नहीं जीत पाऊँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा मकसद सिर्फ एक है कि नफरत, हेट्रेड, हिंसा हमारी प्रोग्रेस को, हमारी क्रिएटिविटी को मार देती है। प्लीज स्टॉप दिस, एंड गांधी जी की विचारधारा पर चलने का हम शपथ लें। ये 150वां जन्म वर्ष है गांधी जी का, ये वर्ष मुझे लगता है सबसे मुनासिब है इस शपथ को लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वैसे तो आधी लड़ाई आपने पहले ही जीत ली थी, क्योंकि आप ही प्रोड्यूसर है, तो क्रिएटिविटी किल होने का कोई सवाल नहीं था, तो उस बारे में क्या कहेंगे, इट्स पॉजिटिव नेगेटिव क्या है मतलब? आई एम वेरी इम्प्रेस, मैंने जिस तरह से फिल्म को सोचा था उस तरह से ये फिल्म बनी है, एंड मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे विश्वास है कि मेरी इस कोशिश को सराहना मिलेगी। लेकिन नो डाउट मीडिया की मदद के बिना जो लोग यहाँ बैठे हैं यही हमारी बात को आगे पहुंचाएंगे, तो ही हमें मकसद में कामयाबी मिलेगी। जी, अभी स्टार कास्ट अपनी बात आगे पहुंचाए, क्योंकि 1948, तो फिर क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि आज हम लोग इस एरा में हैं, और ऑफ कोर्स मतलब उस एरा में जाने के बाद क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, और क्या क्या चीज़ें हो जाती थी कि आज का एरा, सोशल मीडिया का एरा, जहाँ पर एक चीज़ आज हमने अप कर दी तो सारी दुनिया को पता चल जाती है, तब नहीं था, तो क्या क्या आप लोगों ने फील किया उस दौर में जाकर? इस फिल्म में क्या है, गांधी जी की आइडियोलॉजी है, वो नईम जी ने पूरा डिटेल में बताया है कि इस फिल्म के अंदर हमने क्या दिखाने की कोशिश की है। मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊंगी कि इससे पहले मैंने पोस्टर बॉयज की थी, और वो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर था, वो सुपर कॉमेडी थी, हिलेरियस मूवी थी,
जब मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, मुझे बताया गया कि समीक्षा ये फिल्म एक 1948 की कहानी है और उसमें हम गांधी जी इस फिल्म में नहीं हैं, लेकिन उनकी विचार के बारे में हम बता रहे हैं, पूरी फिल्म उसके ऊपर है। तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसा मैं कैसे करना पड़ेगा या किस तरह से करूँगी, एक पुराने ज़माने को उस वक्त कैसे किस तरह से बोला जाता था। तो मैंने उस कैरेक्टर के ऊपर काम करने की बहुत कोशिश की, बहुत बहुत स्मूथली, बहुत प्यार से किस तरह से आप अपनी बात को सामने रखते हैं और अहिंसा नहीं होनी चाहिए, और बोलते हुए आपको किस तरीके से आप लोगों को अट्रैक्ट करें कि आपकी बात को सुना जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऑफ कोर्स वो पुराने तरीके का पहनावा, साड़ी, और कहाँ कहाँ से सर ने बहुत कोशिश की कि हम बिल्कुल उसी पहनावे को लाएं, और बहुत ही सुंदर तरीके से इस पिक्चर को एवरी सीन इज सुपर्ब। और थैंक यू सो मच सर कि आपकी वजह से मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस पीरियड में जाने का कोई प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जो कैरेक्टर का इसका जो मैंने प्ले किया है, इसका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत ही रेलेवेंट है आज के दिन में भी। जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। मैम आपके आने से मतलब एक खलबली दिल में मची है, क्योंकि आपके साथ हम हैं और जिस तरह का कैरेक्टर आप प्ले कर, देखिए रोंगटे खड़े हो गए हैं, मतलब पूरे आपके रोल याद आ रहे हैं। और अभी ट्रेलर में भी जो आपने किया है, अमेजिंग। एक डायलॉग आप आ गई तो हो जाए, वो खून वाला जो डायलॉग अभी मुझे याद है, खून रंग बदल देता है, समथिंग लाइक दैट, याद अगर आपको। यही तो नियति है, शरीर से निकलने के बाद तो खून भी अपना रंग बदलने लगता है। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए मैम। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, मैं बोल रहा था कि जो कैरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट है और जो वो फील कर रहा है, वो उस समय भी बहुत रेलेवेंट था और आज के दिन में भी है। तो मुझे वैसे काफ़ी रेजोनेट किया वो कैरेक्टर जो बिलीव करता है उसमें, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था पीरियड में प्ले करने में। देखिए ये पिक्चर का नाम ही हे राम, हमने गांधी को मार दिया। मुझे लगता है कि इस नाम में बहुत ये सबसे बड़ा यूएसपी है। और नईम जी देखिए वो काम करके दिखाया जो हम बम्बई में इतने सालों से रह रहे हैं, कोई कल आए हैं या 20 साल पहले आए हैं। एक आदमी 2 अक्टूबर को सोचता है कि मैं एक पिक्चर बनाऊँगा और आज है तारीख क्या है, 5 फेब को ट्रेलर हमारे सामने है और 23 फरवरी को सोच रहे कि पिक्चर को रिलीज करेंगे। और जब बॉम्बे में कोई भी ऑफिस अभी तक नहीं है, मुझे लगता है कि ये हमें सीखने की बात है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या थ्योरी हम सीखेंगे ताकि हम बाद में भी पिक्चर बना पाए। बहरहाल इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग देखते हैं जैसे शशि जी बैठे हैं, कुशन सर बैठे हैं, बहुत सारे हम लोग सालों साल कोशिश करते हैं और सिर्फ प्रोड्यूसर या फिनंस होने से पिक्चर नहीं बनती, आपको 200-300 लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो यू आर ए ग्रेट लीडर, नो डाउट। एंड देन द 2018 में या 1948 या 1930s में जो या 1918 में जो आंदोलन उन्होंने किया, महात्मा गांधी जी ने, ये बोलने की कोई बात नहीं, सबको पता है, बचपन से पता है। लेकिन हम न्यू जनरेशन जो है, जो आजकल सोशियो ग्लोबलाइजेशन पीरियड में जिसका उंगलियों में पूरी दुनिया है, उनके लिए हम बोलेंगे कि ये वो आदमी ने किया था या सत्य के राह पर चलो तो उसका कोई मायने नहीं है। जब बोलेंगे सत्य की राह पर नहीं चलोगे तो ये हो सकता है, हर एक आदमी का मेटामॉर्फोसिस जो होता है, जो परिवर्तन संभव है इस आइडियोलॉजी के द्वारा, ये इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो ये कोई बोरिंग पिक्चर नहीं है, बहुत सीरियस पिक्चर नहीं, बोलते बोलते लग रहा है कि बहुत फिलोसॉफिकल थ्योरी हम लोग बोल रहे हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग पिक्चर है और एक थ्रिलिंग एलिमेंट भी है इसमें।
तो हम चाहते हैं कि जैसे छोटी सी पिक्चर में कंटेंट हीरो होता है, कंटेंट स्टार होते हैं, पिक्चर तो सर ने बना दी, तो मैं चाहूँगा कि जो जो लोग हैं इस पिक्चर के बारे में लोगों को बोलें। हमने बहुत मेहनत की, हर बार यही बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ लोग बैठे हैं, कोई बात नहीं, बोलना पड़ता है, बट सचमुच मेहनत की। अरे पिक्चर मुझे लगता है बहुत ही रिलेवेंट पिक्चर है, और आप लोग सब समझते हैं कि आज के डेट पे इस किस्म की पिक्चर को रिलीज़ करना कितनी बड़ी बात है, किस किस हर्डल्स के सामने आते हैं और हम लोग उसको क्रॉस करते जाते हैं। सो बस यही बोलूँगा, और बाकी मुझे लगता है शांति जी ज़्यादा बोलेंगे, द फर्स्ट स्पेक्टेटर ऑफ दिस मूवी, सो प्लीज़ शांति। Thank you, Naeem sir, for giving the opportunity to see this film. Actually, this film came in a very quick succession that I'm supposed to read the script now and we have to go for audition with it now and then decide on it now. So it was like, I don't work that way, I need to read the script first and stuff like that. It was very, very quick decision on Naeem's part. And before that I start, I would like to invite Rishi, the sound designer on the stage, and also the Anoop for background score. The whole cast and crew up. Yeah, please. And Bablu, Ratnesh Ranjanji, if he is around. Utpalji is here. So everybody here, standing here, we actually work like family and very close group. Who really were went, the feeling of it was very intense. The photography, I was like struggling with it, but it had to come in place. So everything came into final, it all fell in place with Naeem's support and support of Samit Shah, Jatin, Subrat, and Rajesh Gupta ji, and everyone. So thank you very much, Naeem ji. Looking forward for more of film from your side. Yeah. मुझे लगता है कि इसके बाद उत्पल सर, जिसके ऊपर जिम्मेदार है, सर कुछ बोले। जी प्रतिमा जी, देखिए सब तो सभी लोगों ने बोल दिया है, कहने को तो कुछ रहा नहीं, बस इतना ही कहूँगी कि मोस्टली सबने मुझे नेगेटिव रोल में ज़्यादा देखा होगा, और नईम जी ने पता नहीं कैसे मेरे लिए ये सोचा कि इतना पॉजिटिव करेक्टर प्रतिमा जी कर सकती हैं, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और कुछ कारणवश शुरू में थोड़ा हाँ ना हो रही थी कि नहीं कर पाऊँगी, शायद क्या होगा, फिर एक गैप आया, फिर लास्ट में नईम जी ने मुझे कहा कि प्रतिमा जी जब तक आप ना नहीं कहेंगी मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ इस करेक्टर के लिए किसी को, फिर हाँ हुई और नईम जी ने मेरे को स्क्रिप्ट भेजी। इस सब्जेक्ट पे आज तक बहुत सारी फिल्में बनी, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के लगा कि एक ऐसा डर जो आज भी इतने सालों बाद भी लोगों के अंदर है, लोग दो गुटों में जो बटे हैं वो प्यार एक दूसरे से बहुत करते हैं, लेकिन वो जो छाप लग गई है सबके नामों के आगे, वो एक डर कैसे एक आदमी के अंदर आज भी समाया हुआ है। पर आज के परिवेश में नईम जी ने बहुत अच्छा दिखाया कि फिर भी लोग हिम्मत करते हैं, जैसे सुब्रत ने जो करेक्टर प्ले किया है और जतीन ने किया है, इतना अंडरकरंट कहानी में चीज़ें हैं कि वाकई लगता है कि गांधी जी ने किस तरह हमारे देश की आज़ादी के लिए सब कुछ किया होगा, और मुझे पूरी आशा है कि उनका सपना हम पूरा करेंगे। थैंक यू नईम जी, आपने मुझे इस रोल में कास्ट किया, और पूरी यूनिट के लिए मैं बोलूँगी कि हम जितने दिन भी साथ काम किया ऐसा लग रहा था कि सब एक परिवार है। शांति जी, थैंक यू सो मच।